नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस के इस एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, मॉर्निंग में अब हम चलाने वाले हैं एजुकेशनल सीरीज़। दोस्तों, आपने देखा होगा कम्युनिटी टैब के माध्यम से मैं अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता रहता हूं, तो वहीं पर लोगों की डिमांड आई कि आप जो है ज़्यादा क्वेश्चन करवाया करें, तो मॉर्निंग में जो है आपको हमारा एजुकेशनल वीडियो मिला करेगा। तो देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, और इसमें कितने बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है वो है, किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। और दोस्तों, जिन्हें भी एजुकेशनल वीडियो अच्छे लगते हैं और जिनके लिए यूज़फुल हैं, तो आप बस लाइक दबा देना, ठीक है दोस्तों। तो मैं समझ जाऊंगा कि कम से कम इतने लोगों के लिए तो मुझे एजुकेशनल वीडियो बनाने ही बनाने हैं। तो इसका जो दोस्तों आंसर है ये है दोस्तों बागोर। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, उसका कमेंट अगले दिन के वीडियो में मैं ज़रूर दिखाया करूँगा, ठीक है दोस्तों। फिर है कि कहाँ से एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल मिले। दोस्तों, इस तरीके के जो फैक्ट है ना, ये अक्सर पूछे जाते हैं IAS PCS या जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम हैं, तो आप जो हैं इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो एक ही स्थान से, एक ही कब्र से तीन कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो दोस्तों ये जगह है, ये है दमदमा, ठीक है। आप नोट जरूर कीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए। फिर है दोस्तों, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले। ये दोस्तों देखा जाए एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका है दोस्तों आंसर लिखिया, ठीक है। लिखिया जो जगह है, विंध्य क्षेत्र है, वहाँ से जो है ये मानव कंकाल सर्वाधिक मिले हैं। फिर है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे अपनी सभ्यता में। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है मेलुहा। मेलुहा शब्द का प्रयोग किया जाता था मेसोपोटामिया के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं ये वाला, हड़प्पा का स्थल किस नदी के किनारे है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के जितने भी आप स्थल देखेंगे किसी ना किसी नदी के किनारे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम हड़प्पा की बात करने वाले हैं, तो हड़प्पा जो है वो है रावी नदी के तट पर। अच्छा, अब ये बताना कि रावी के जो नदी है उसके पानी पर किसका हक है, भारत का या पाकिस्तान का या फिर दोनों का है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर दोस्तों, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों ये नाम आपने कई बार सुना होगा मगर पूछा बहुत जाता है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है, राय बहादुर दयाराम साहनी। अच्छा, ये आपको पता होगा, ये जो टाइटल थे दोस्तों अंग्रेज़ों के द्वारा दिए जाते थे, राय की बहादुर, तो ये सब जो है किस तरीके के लोगों को दिए जाते थे, आप अगर कुछ जानकारी हो तो आप बता सकते हैं। फिर दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी। अब दोस्तों इसका जो काल था वो था लोह युग से, ठीक है। जैसे पाषाण काल हुआ है, फिर दोस्तों लोह युग हुआ, तो इससे रिलेटेड थी हड़प्पा सभ्यता। फिर हम चलते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी या फिर किस प्रकार की थी। इसका आंसर है दोस्तों शहरी। आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता का, कभी अगर आप मतलब गूगल पे सर्च कीजिएगा तो उसमें आपको दिखाई देगा, मतलब इस तरीके की सड़कें बनाई गई हैं, बिल्कुल आपको शहरी व्यवस्था दिखेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि ग्रामीण थी ये, ठीक है। और जो सड़कें भी थीं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। फिर दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का प्रमुख आहार क्या था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें हम देखते हैं आहार जो था दोस्तों वो था गेहूं। अभी देखिए हम चाहे कुछ भी खा लें मगर डेली गेहूं तो खाते ही हैं, यानी कि रोटी तो खाते ही हैं, तो वहाँ का जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य आहार था वो था दोस्तों गेहूँ। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं, यानी कि जहाँ पर जो है अनाज का भंडार करके रखा जाता था, तो आप ये जो जगह है दोस्तों ये है हड़प्पा। हड़प्पा में सर्वाधिक पाए गए हैं, और भी जगह पर पाए गए हैं मगर अगर सर्वाधिक बात की जाए तो वह है दोस्तों हड़प्पा। फिर है, हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ये है कपास। आप इस को नोट जरूर कीजिएगा, मतलब ये चीज़ें जो पूछी जाएँ। फिर अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है दोस्तों, पैमानों की खोज ने ये साबित कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तोल से परिचित थे। तो ये तो रहा स्टेटमेंट, अब ये जो खोज थी ये कहाँ पर हुई,
तो दोस्तों हम देखते हैं ये खोज कहाँ पर हुई। ये हुई है लोथल नामक स्थान पर, और लोथल के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आगे भी आपको बताऊँगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। अभी हमने दोस्तों इस वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चन लिए हैं, और जैसे जैसे आप लोगों का रेस्पॉन्स आएगा हम इसमें क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे। फिर दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? दोस्तों अक्सर पूछा जाता है लिपि का मतलब, जैसे कि हम इस समय हिंदी लिपि का इस्तेमाल कर रहे हैं, देवनागरी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय कौन सी लिपि थी दोस्तों? तो ये लिपि ऐसी थी जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, अभी भी इस पर काम चल रहा है और अभी इसे डिकोड नहीं किया जा सका है। आने वाले समय में हो सकता है ये डिकोड जरूर हो जाएगी। फिर है हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था? तो दोस्तों किससे था का मतलब जो सुमेरिया सभ्यता के लोग थे उनसे रिलेटेड था, तो इसका आंसर जो है वो है दोस्तों सुमेरिया। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों 1961 में बीबी, ये दोस्तों बी और बी ये अलग अलग हैं, ठीक है, बीबी बीबी लाल तथा बी के थापर के निर्देशन में किस सिंधु स्थल का उत्खनन किया गया? तो ये जो स्थान है दोस्तों ये है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में आपने सुना होगा, राजस्थान में ये जगह है, तो कालीबंगा जगह से, ठीक है। फिर दोस्तों शतरंज के बोर्ड के दो नमूने किस सिंधु घाटी स्थल से प्राप्त हुए? तो ये जो दोस्तों जगह थी ये थी लोथल। लोथल फिर से आ गया, गुजरात की जगह है दोस्तों, ये एक तरीके से बंदरगाह जहाँ पर आप कह सकते हैं पोर्ट जहाँ से कि आवागमन होता था, ये वही जगह है लोथल। फिर दोस्तों किस वस्तु का आयात सिंधु निवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था? तो वो कौन सी वस्तु है दोस्तों वो देखते हैं हम, वो है धातु एवं बहुमूल्य पत्थर। तो ये इन चीज़ों का जो आयात था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, टॉप प्रायोरिटी पे था। फिर हम चलते हैं दोस्तों कि किसके संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने ही सिंधु सभ्यता को बसाया था? तो ये हैं दोस्तों भूमध्य सागरी लोग। तो जो हमारे भूमध्य सागर मतलब एक तरीके समझ सकते हैं जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास के जो लोग रहते हैं उन्हीं को कहा जाता है भूमध्य सागरीय लोग, ठीक है दोस्तों। फिर अगला है हमारा क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के संबंध में किन स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले? दोस्तों कोई भी चीज़ होती है कहीं ना कहीं से पाई जाती है, तो कौन से वो स्थान से जहाँ से चावल की खेती के आपको साक्ष्य मिले हैं या प्रमाण मिले हैं? वो दोस्तों जगह है आपकी लोथल और रंगपुर, ठीक है। ये जो स्थान है ना दोस्तों, आप भले ही ट्रिक लगा के याद करें कैसे भी करें, मगर इन्हें याद करना बड़ा ज़रूरी है। फिर है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, ये मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया, लोथल, ठीक है। और देखते हैं तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको ये अच्छे लगे हों तो दोस्तों आप बता सकते हैं, मगर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर उसके बारे में आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल के वीडियो में मैं आप लोगों के वो कमेंट को शामिल करूंगा और 20 नए क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको GS के PDF शेयर करता रहता हूँ। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।